मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इसके ब्लॉग्स फार्मिंग लाइफ। गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्याज की कट्टी, कुछ कट्टी जमी हुई है, कुछ टब रखे हुए हैं और मैं यहां पर ओसारी में बैठा हुआ हूं। गाइस, हमने कल प्याज, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा हो तो फटाक से जाकर देखिए, पिछला ब्लॉग देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आएगा कि हम कैसे ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइस, हम आज की कहानी कल पर निर्भर करते हैं, तो चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। लेकिन इसके पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट स्टेटस बार में पहुंच जाए। तो गाइस देखिए, ये हमने कल तैयार कर दिए थे, मतलब अभी नहीं, हमें समथिंग कितने 30 कट्टे तैयार करने हैं सारे। गाइस, एक कट्टा समथिंग 55 या 60 किलो का होता है और हमने अभी कितने यार 14 कट्टे सी कर रेडी कर दिए हैं। तो गाइस, इसकी सीवन भी बताएंगे हम कैसे सीते हैं। सीने की विधि कुछ अलग है हमारी, हमारे एडिटर साहब ने इजाद की है। और गाइस, कितना कल कितना ख़त्म हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। तो चलिए चलते हैं कमरे में अंदर। तो गाइस देख सकते हैं, हमारे पास तीन जालियाँ हैं, एक सेकेंड बड़ी वाली और थर्ड ये जो यहाँ पर टूट गई है, ये टूट गई थी गाइस, लेकिन इसकी मरम्मत कर दी थी हमने। तो गाइस देखिए, हमने इतने प्याज इसमें से उठा लिए हैं, अभी 14 कट्टी 15 कट्टी भराने वाली है और इसमें देख सकते हैं 3-4 एक कट्टी और भरा जाएगी, समथिंग 18 कट्टी हो जाएगी। और गाइस, इसके बाद हम ये टूटी हुई जाली तोड़ेंगे, इससे से प्याज कलेक्ट करके हमें 30 कट्टी पूरी करनी है, 30 कट्टी। तो गाइस, ऐसा कुछ सीन आज भी गाइस यही काम चलने वाला है हमारा। बाकी की बची हुई, मतलब हमने 14.5 कट्टी कर दी है तो हमें 15.5 कट्टी और करनी होगी, जिससे हमारी 30 कट्टी कंप्लीट हो जाएगी। और 10 कट्टी हम गाइस लहसुन की लेके जा रहे हैं, इससे हमें भाव पता चल जाएगा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, क्या रेटिंग हो रही है वहाँ पर। तो गाइस, उसका भी अच्छा सा वीडियो आने वाला है और आएगा, ताकि आपको वहाँ का पूरा रिव्यू मिले। पिछले साल नहीं मिल पाया था, हमने दिया भी नहीं था गाइस, क्योंकि लोग ही स्टार्टिंग नहीं हुई थी चैनल की। तो गाइस अब हो गई, तो हम आपको क्या है कि सारे प्याज इंदौरी सेल करेंगे। इस बार तो एडिटर साहब जा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट बार हम जाएंगे, लेकिन एडिटर साहब जा रहे हैं, वो शूट करके लेके आएंगे मंडी का पूरा, ठीक है, इंदौर जाएंगे। तो गाइस, ये हम मैजिक में लेकर जाएंगे, मैजिक जो आता है ना छोटा हाथी, उसमें लेकर जाना है इसको। तो गाइस, अभी क्या है, हमारे साथ कौन जाएगा, जो हमारे मनीष भैया है खेड़ी वाले, वो भी उनके 40 कट्टे प्याज लेकर जा रहे हैं। और गाइस, हम 30 कट्टे प्याज की और 10 कट्टी लहसुन की, 40 मतलब हमारे भी 40 हो जाएंगे, तो 40 और 40 80 कट्टे लेकर जाएगी छोटे हाथी में, मैजिक में। साथ में जाएंगे मनीष और एडिटर साहब हमारे अनिल विश्वकर्मा, दोनों यहाँ से जाएंगे या। तो गाइस, वो होगी मंडी सुबह, एक दिन पहले शाम को हमारा पूरा माल लोड हो जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे क्या करते हैं, ओके। तो गाइस, अभी तो मेरे पीछे ये पूर्व में पुष्पगिरी तरफ बहुत खतरनाक पानी गरज रहा है, लेकिन अभी, अरे यार, ये जो गरजना मिलना ये तो शाम का हो रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं पानी, आना चाहिए पानी को। तो गाइस, ऐसा कुछ सीन, अभी हम खेत पर हैं और चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को। गाइस देखिए, ये है 55-60 किलो की कट्टी और हम कुछ इस तरीके से सीते हैं। ये जो सीने की जो डिज़ाइन है, ये आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ऐसा कोई कट्टी नहीं सीते हैं। लेकिन गाइस, हमने स्टार्ट किया है ऐसा सीना, ये कट्टी की कुछ। तो गाइस, ये पन्नी की रस्सियों से बनी एक कट्टी होती है, जो ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती ही आती है ये कट्टी। और देखिए, हमारी 14 कट्टी एकदम हमने टाइट सीकर रेडी कर दी है और सारे बड़े वाले प्याज हैं इसमें गाइस। और जो इसमें से क्या है कि जब प्याज हम उत्पादन करते हैं तो उसमें एक जैसा माल नहीं निकलता, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। तो गाइस, ये जो छोटे बारीक प्याज है वो इसमें हमने लोड कर दिए, ये हम बाद में सेल आउट करेंगे, ये यहाँ पर बड़े बड़े हैं गाइस। ये जो बीज है, ये हमने ईस्ट वेस्ट का प्याज है, ईस्ट वेस्ट कंपनी का,
देख सकते हैं अच्छा प्याज है। कहीं है कहीं है गाइस, देखिए हमारे चीमे को क्या पता क्या दिख गया है। क्या हुआ चीमा, ए कहीं हुआ, ए चल आगे चल आगे, इसको लगता है कुछ दिख गया है। चलो 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 आगे चलो। मुझे लगता है चीमे ने सियार देख लिया है। चल यार रहने, बाद में देखूंगा ना बताए। मैंने क्या देख लिया है, अचानक से ऐसे करने लगा चूचा चूचा, ऐसा खाने के टाइम करता है। लेकिन अभी तो उसको खाना दिया रोटी बटकी उसके लिए, लेकिन गाइस क्या पता, मुझे लगता है दो तीन दो चार कुत्ते होंगे। कुत्ते क्या, जब झुंड में होते हैं ना तब ये इससे भिड़ जाते हैं और ये भी भिड़ जाता है, तो इसलिए बुलाने आता है कभी सभी, यार साथ चलो भगाते हैं उनको, या फिर सियार भी इसके पीछे पड़ जाता है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमने प्याज व्याज की छटाई पूरी कंप्लीट कर ली है और अब हम कल के टाइम में हमारे प्याज चढ़ जाएंगे गाड़ी में, लोडिंग हो जाएंगे और यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं एंड। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ ज़रूर करना है। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो गाइस मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।